अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए यूनिक स्टाइल कीमा कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन कचौरी का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। रमज़ान में आपने इसको एक बार लाजमी ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है। चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे। ये मैंने एक कप मैदा लिया है, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून घी। घी आपने गरम यूज़ नहीं करना, मेल्ट किया हुआ घी मैंने यूज़ किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने एक बार मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें नॉर्मल पानी डालकर इसकी एक सॉफ्ट डो गूंद लूँगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हमें नहीं गूंदनी, नॉर्मल जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल वही डो हमें रेडी करनी है। एक कप मैदे से हमारी तकरीबन 8 कचौरियाँ बनकर रेडी होंगी। डो को मैंने बिल्कुल अच्छे से गूंद लिया है। अब मैंने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून घी डालकर इसको कवर करके रख दिया है। चलें तब तक हम फिलिंग रेडी करते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन को मैं 1 मिनट तक ऑयल में पका लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इसका कलर चेंज नहीं करना। लहसुन ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 kg मटन का कीमा डालूंगी। आप इसकी जगह पर बीफ का कीमा या चिकन का कीमा भी डाल सकते हैं। अब मैं इस कीमे को अच्छी तरह से पका लूंगी। हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना, कीमे का जो पानी होगा उसी में ही हमारा कीमा अच्छे से गल जाएगा। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, कीमे को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अभी भी उसमें थोड़ा सा कीमे में पानी है, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी। यही सिंपल से मसाले हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। अगर आपको लगे कि इसमें पानी नहीं है तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मेरे कीमे में अभी थोड़ा सा पानी है तो मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी। 4 से 5 मिनट में इस कीमे को अच्छी तरह से भून लूंगी। अब मैं इसमें 3 हरी मिर्चें बिल्कुल फाइन चॉप करके डाल दूंगी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये नमक मिर्च बिल्कुल मुनासिब है। अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज के फाइन चॉप प्याज डालूंगी। बिल्कुल प्याज को हमने फाइन चॉप करना है। कीमा भी हमारा अच्छे से गल गया है भूनते भूनते। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट तक कवर करके रख दूंगी। इसमें हमारी प्याज जो है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और प्याज का जो थोड़ा सा पानी होगा वो भी ड्राई हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। जब ये हमारी फिलिंग रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तब हम इसको कचौरी में फिल करेंगे। चलिए अब कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैदा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसको निकाल कर एक बार गूंद लूंगी कि हमारी डो जो है वो थोड़ी सी टाइट हो जाए। आपको मेरी ये कचौरी की रेसिपी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की और बहुत सारी न्यू रमज़ान रेसिपीज़ देखने के लिए। अब इस डो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। मैं आपको एक कचौरी बनाकर दिखा रही हूँ। ये मैंने एक पेड़ा लिया है, इसको मैंने अच्छे से लंबाई में बेल दिया है। बिल्कुल बारीक हमने इसको बेल देना है। अब मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी। इस पॉइंट पर आपने ऑयल का यूज़ नहीं करना, आपने घी ही यूज़ करना है। अच्छे से सारे किनारों पर भी मैं घी लगा दूंगी। इससे ही हमारी कचौरी में जो है वो बहुत ही अच्छी सी लेयर्स बनेंगी। अब मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दूंगी। अगर आप मेरी इस रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करेंगे तो आपकी कचौरी भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होगी। अब मैंने एक साइड को लेकर इसको हाफ फोल्ड कर लिया है। दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से हाफ फोल्ड कर लूंगी। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से घी लगा दूंगी। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से मैदा डस्ट करूंगी। इस तरह से हमारी कचौरी में बहुत ज़्यादा लेयर्स बनकर तैयार होंगी। अब मैं दोबारा से इसको फोल्ड करूंगी और वही सेम प्रोसेस रिपीट करूंगी। पहले घी लगाऊंगी, उसके बाद मैदा डस्ट करूंगी।
अब हमें इसको टाइटली रोल करना है। अब मैं इसकी एंड को प्रेस करके सेट कर लूंगी। अब इसको मैं सेंटर से कट करूंगी। हमारे एक पेड़े में से दो कचौरियां बनकर तैयार होंगी। ये आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लेयर्स बनती हैं। अब ये मैंने एक पेड़ा लिया है, उसको मैं हल्का हल्का सा प्रेस करूंगी कि हमारी जो लेयर्स हैं वो अच्छे से खुल जाएं। लेयर्स वाली जो साइड है वो कचौरी की बाहर वाली साइड होगी। हल्का सा मैदा मैंने डस्ट किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से बेल दूंगी। बहुत ज्यादा बारीक आपने नहीं बेलना, वरना आपकी कचौरी फ्राई करते हुए फट जाएगी। थोड़ी सी फिलिंग जो है वो मैंने सेंटर में रखी है। साइड्स हमारी बिल्कुल खाली होनी चाहिए। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और अच्छे से प्रेस करके अपनी कचौरी को बंद कर देंगे। अब मैं साइड से इस तरह से कचौरी को लॉक कर रही हूँ। ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने भी एक बार लाजमी ट्राई करना है। ये मैंने चार कचौरियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। कुछ कचौरियाँ मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं गरम करना। तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे कचौरी को फ्राई होने में। मैं मीडियम टू लो आग पर इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अगर आपको इन्हें फ्रीज करना है तो आप इनको हाफ फ्राई करके निकाल कर फ्रीज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कचौरी पर एक अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। कचौरी की आप लेयर्स चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये कचौरी बनकर तैयार होती है। आपने लाजमी ट्राई करना है। हमारी कचौरी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। आपने मेरी इस रेसिपी के साथ कचौरी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये आप इसका फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।